Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Success at One Point Institute. Our today's term is coefficient of thermal conductivity. First of all, the coefficient of thermal conductivity is numerically equal to quantity of heat flowing per second between two opposite faces of a cube of unit length kept at unit temperature difference when steady state is reached. Means है क्या चीज़ ये thermal conductivity किसी substance की कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो होगी किस में से फ्लो होगी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस की अगर हम सबसे पहले उसके दो फेसेस को कंसिडर करते हैं एक क्यूब की फॉर्म में सब्सटेंस को कंसिडर करेंगे. अब क्यूब है तो उसके दो ऑपोजिट फेसेस होंगे दो ऑपोजिट फेसेस किसी ना किसी डिस्टेंस पे पड़े होंगे जितना हमने डिस्टेंस लेना है दैट इज़ व्हाट दैट इज़ द यूनिट लेंथ. अब उनमें से अब अगर हम हीट फ्लो की बात करेंगे कि दो फेसेस में से पास हो रही है तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने नोट करनी है कितना टाइम लेके चलेंगे दैट इज़ पर सेकेंड. तो क्यूब के दो फेसेस में से जो कि यूनिट लेंथ डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं एंड उनके बीच में जो हीट फ्लो होगी उसको पर सेकंड हमने मेजर करना है. एंड थर्ड जो कंडीशन हम यहाँ पे लगा के चल रहे हैं कि जो दोनों फेसेस का टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट इज़ व्हाट दैट शुड बी यूनिट टेम्परेचर. तो उस टाइम के ऊपर जितनी हीट जो है फ्लो होगी दैट विल बी कॉल्ड कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. थैंक यू.